नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्रा में। मित्रों, हम प्रोफेशन निकालने की सीरीज पे, तीन प्रोफेशन का डिसाइड करने की सीरीज पे हम दो वीडियो पहले बना चुके हैं, आज हमारा तीसरा वीडियो है। मित्रों, मेरा उद्देश्य जो भी ज्योतिष से संबंधित बातें हैं उनको सही तरीके से आगे लाना, ताकि असमंजस खत्म हो और सही निर्णय करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करे। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहना चाहिए कि हम किसी की सहायता कर सके। तो इसी सीरीज में आज मैं शुक्र का संबंध शनि से बनता है तो क्या फर्क पड़ता है, ये मैं पूरी सीरीज पूरी करने के बाद तीन ग्रहों का संबंध, फिर चार ग्रहों का संबंध, फिर पांच ग्रहों का संबंध, इस प्रकार से सीरीज को पूरा करता रहूंगा, ताकि जिनके ज्यादा से ज्यादा ग्रहों के संबंध बन रहे हैं, योग युति दृष्टि संबंध बन रहे हैं, उनको सही प्रोफेशन की बिल्कुल प्रिसाइज जो उनकी क्षेत्र है उसमें जाने में सहायता प्राप्त हो। तो आज हम बात कर रहे हैं दूसरे विषय पे, यानी कि शुक्र अगर शनि से संबंध बनाता है तो प्रोफेशनली क्या लेना चाहिए। मेरा यहाँ निवेदन सभी से रहेगा, कृपया किसी अन्य विषय से हम नहीं जोड़े। मैं बार बार निवेदन करूंगा कि शनि के कर्म कारक का ही मैं आज जो है कारक तत्व ले रहा हूँ, इसके अन्यथा कोई और कारक तत्व नहीं ले रहा हूँ। मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज प्रोफेशन सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें शनि अगर शुक्र से संबंध बनाता है तो हमें क्या जो है कार्य क्षेत्र चुनना चाहिए जहां हमारी सफलता निश्चित रूप से ठीक रहती है। जितना अच्छा शुक्र रहेगा और जितना अच्छा शनि उसके साथ संबंध बनाएगा, सफलता की रेशियो उस हिसाब से डिसाइड होगी। लेकिन इस क्षेत्र में रहने पर आपको समस्याएं कंपैरेटिवली कम आएंगी। जो उद्देश्य है वो ये जानना है कि क्या हम उस चीज को समझ पा रहे हैं कि कौन सा हमारा प्रोफेशनल क्षेत्र होना चाहिए जहां हमारी सफलता अधिक से अधिक होगी। लेकिन निश्चित रूप से शुक्र की यहाँ स्थिति जितनी अच्छी होगी उस क्षेत्र में सफलता उसी हिसाब से मिलेगी और सपोर्टिव दशाएं भी आनी चाहिए। देखिए, शुक्र के मैं कारक तत्वों के बारे में बात करूंगा, शनि का तो हमारा का निश्चित है कि हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। जो भी मनोरंजन से संबंधित कार्य करने वाले, ऐसे सभी कार्य, कोई भी मनोरंजन से संबंधित वाद्य यंत्र बजाने वाला हो, गाने वाले हो, और किसी और प्रकार के कोई भी मनोरंजन का कार्य करने वाले हो, कॉमेडियन हो, दूसरों को रोते में से हंसाने की योग्यता रखने वाले हो, सभी के सभी इसी क्षेत्र में। इसके बाद आते हैं एक्टर्स, जो वो होते नहीं है वो बन के दिखाना, ऐसा कार्य शुक्र ही किसी को ये योग्यता देता है। और जितना अच्छा शुक्र होता है कुंडली में उस व्यक्ति में उतनी अधिक से अधिक योग्यता होती है अपने को अधिक से अधिक परिवर्तित करके दिखाने। कलात्मक कार्य जो भी होते हैं, आप कलात्मक कार्य चित्रकारी से लेके रंगकारी से लेके शिल्प कला से लेके किसी भी तरीके का कलात्मक कार्य जिसमें कला जुड़ जाती है, देखिये मूल रूप से तो चंद्रमा कला का कारक है, लेकिन जो उसकी रिफाइनमेंट चाहिए होती है, उसमें भी एक विशेषता चाहिए होती है, विलक्षणता चाहिए होती है, वो शुक्र के साथ जुड़ने से आता है। अगर शुक्र की उसको विलक्षणता नहीं मिलेगी, आप कार्य तो करेंगे लेकिन विलक्षण नहीं हो, क्योंकि शुक्र रिफाइन करता है, हर चीज की रिफाइनमेंट करता है। आप इंटीरियर डिजाइनर्स को देखें, जो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए होता है, इंटीरियर डिजाइनर के जो काम करने का तरीका होता है, जो सौंदर्य वो निकाल के लाते हैं, वो एक छोटे से क्षेत्र को इतना सौंदर्यपूर्ण बना देते हैं कि आप देखते रह जाते हैं। कहाँ कितना फर्नीचर कैसा होना चाहिए, कितनी चीज कैसी होनी चाहिए, दीवार पे कौन सी चित्र लगेगा, रंग कौन सा होगा, ये सब जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी अच्छी आपकी इस प्रकार की सोचने की क्षमता होगी। ब्यूटिशियंस आप देखेंगे कि जितनी भी ब्यूटिशियंस होती हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं या मेकओवर आर्टिस्ट हैं, ये सभी के सभी शुक्र के अच्छे होने से या शुक्र के प्रबल होने से या शुक्र के शनि से संबंध बनाने से ही इस कार्य क्षेत्र में जाए, अन्यथा उनकी रुचि इस कार्य क्षेत्र में नहीं होगी। आजकल तो नेल पेंट वाले बनाने वाले, नेल पेंट डिजाइनर और टैटू बनाने वाले, ये सब भी प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की योग्यता रखने वाले लोग मेकओवर आर्टिस्ट होते हैं। बंदा दिखता कुछ है और होता कुछ है, जो होते हैं जो पूरी शक्ल सूरत बदल देते हैं, जो रामलीला में अभिनय करने वाले हो गए या उनको उनको तैयार करने वाले लोग हो गए, जो उनका सामान तैयार करने वाले लोग हो, यानी कि जो
मेकओवर करने के लिए चाहिए होता है, ऐसे कोई भी चीज, मूछें नकली बनाने वाले, नकली चेहरे बनाने वाले, नकली बाल बनाने वाले, ऐसे सभी प्रकार की चीजों को जो बनाने वाले हैं, उनकी सेल आउट करने वाले हैं और उसके बाद उनको इस्तेमाल करने वाले हैं, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ संबंध बना, शनि और शुक्र का संबंध होगा तो थिएटर से व्यक्ति जरूर जुड़ेगा, शनि और शुक्र का संबंध होगा तो उसको ऐसी ललित कलाओं में अभिरुचि अवश्य होगी कि जिनसे उसका कहीं ना कहीं फिल्मों से या फिल्म कलाओं से या फिल्मी लोगों से संबंध अपने आप ही भागेगा, दिल करेगा। मंगल जुड़ जाएगा तो मशीनरी वाले कामों में जो पीछे के बैक साइड के लोग होते हैं उनका रोल आ जाएगा। राहु भी जुड़े तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति काफी सफल होता है और क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसकी बढ़ जाती है। और ड्रेस डिजाइनर्स आज की डेट में तो एक बहुत बड़ा व्यवसाय है, ड्रेस डिजाइनिंग नाम चलते हैं। उन ड्रेस डिजाइनर्स को आप कभी देखेंगे तो उन ड्रेस डिजाइनर्स वालों को आप बात करके देखेंगे कि तो वो आपको पता चलेगा कि वो कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज की डेट में। ये सब शुक्र के शुभता का प्रतीक है, जितना अपने शुक्र को आप और अच्छा करेंगे उतनी सफलता जीवन में आपको ये दिलाएंगे। साड़ियों के विक्रेता या स्त्रियों के परिधानों के विक्रेता, किसी भी प्रकार के परिधान हो सकते हैं, नकली बाल से लेके उनके इंटीरियर के अंतकरण के जो वस्त्र होते हैं उनसे लेकर किसी भी प्रकार की कोई चीज जो स्त्रियां इस्तेमाल करती हैं, उनके विक्रेता कहीं ना कहीं शुक्र से संबंध रखते हैं। इवन होम्योपैथिक दवाई वाले भी शुक्र से संबंध रखते हैं और उनको पढ़ने वाले और उनके उनके पर काम करने वाले वो सब जो हैं इस प्रकार के संबंध रखते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो होम्योपैथी से कोई ना कोई उनका रिलेशन जरूर होता है। अच्छा शुक्र जरूर अच्छा होना चाहिए, जितना ज्यादा अच्छा शुक्र होगा उतनी अच्छी आपको हाथ की सफा मिलेगी, आपके द्वारा दी गई दवाई एकदम से लगेगी, होम्योपैथिक दवाई। इसी प्रकार से आप अगर जाएंगे आगे तो आप देखेंगे शुक्र जो है किसी ना किसी तरीके से डिजाइनर्स जो होते हैं मूर्ति कला के अंदर, पॉट्स बनाने वाले, अलग अलग तरीके के डिजाइनर आपको मिल जाएंगे तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि बहुत हैरान हो जाएंगे। उनके विक्रेता भी हो सकते हैं, उनको बनाने वाले, उनके क्रिएटिव आर्टिस्ट जितने भी होते हैं वो सभी के सभी कहीं ना कहीं इससे जुड़े होते हैं। देखिए फोटोग्राफी में भी अगर बुध और राहु साथ में सपोर्ट कर दें और मंगल भी सपोर्ट कर दें तो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है, लेकिन उसके अंदर भी क्योंकि रेटिना हमारी जो है शुक्र से जुड़ी है तो रेटिना अगर शुक्र से जुड़ी है उसी तरह कैमरे की रेटिना जो होती है, लेंस होता है, उस लेंस को जो कहते हैं अगर वो उसका सेंस रखने वाला व्यक्ति कोई बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत अच्छा एक फोटोग्राफर भी बनता है। तो ये बहुत अच्छा जो क्रिएटिविटी इसके अंदर चाहिए वो उसमें एक अच्छे शुक्र वाले में जरूर होगी। उनकी सेलिंग करने वाले, उनके बारे में विचार करने वाले, उनकी एक आर्टिस्टिक कल्पना कर सकने वाले, आपने कभी कभी देखा होगा किसी जानवर की एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर होती है, कभी सूर्य की ढलते हुए सूर्य की, उगते हुए सूर्य की इतनी बेहतरीन पिक्चर होती है, वो यूनिक पिक्चर देने के लिए वो जो कला का अंतकरण होना चाहिए अंदर वो शुक्र के बिना नहीं संभव है। मॉडलर किचन के डिजाइनर्स उनको बनाने वाले, आप देखिए जितना अच्छा किसी का हाथ होगा कारपेंटर का वो उसकी फिनिशिंग उसकी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। सिर्फ आप प्लानिंग कर लें एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम करने वाले कारीगर भी अच्छे शुक्र के कारण ही संभव है। आपकी क्वालिटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स है वो शुक्र के कारण ही संभव है। कितनी अच्छी प्रेजेंटेशंस रखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कितनी अच्छी करते हैं, ये शुक्र कराता है। ये बताता है कि कैसे अपनी चीज को बता के ढोल पीट के बता के बेचा जाए। किचन का सामान बनाने वाले, मॉडलर किचन का जो सामान होता है वो बनाने वाले सभी लोग भी, और जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो सभी कहीं ना कहीं सौंदर्य से जिन्हें जिन भी तरीके के, चाहे वो घर के सौंदर्य से जुड़े हुए हों, जीवन के हमारे शरीर से के सौंदर्य से जुड़े हुए हों, वो सभी प्रकार की चीजें बनाने वाले, उनके विक्रेता और उनके काम करने वाले सभी किसी ना किसी तरीके से शुक्र से जुड़े होते हैं। देखिए कार निश्चित रूप से शुक्र के कार्य उसमें आती है, अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन जितनी ज्यादा लग्जरी कार होगी, इस्तेमाल करने वाला भी और बनाने वाला भी, उसकी कल्पना करने वाला भी, इसका विक्रेता भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी, इसका मैन्युफैक्चरर भी, और कितना बेहतर हो सकता है ऐसा करने की कल्पना करने वाला, वो शुक्र जितना अच्छा होता चला जाएगा उतनी लग्जरी कार के बारे में कल्पना और बनाने की क्षमता और बेचने की क्षमता व्यक्ति के अंदर आई। खरीदेगा भी वही जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, लग्जरी गाड़ी, नहीं तो साधारण गाड़ी में घूमता मिलेगा कवि। ये तो कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब ये अब आप ये सोचिए, ये कवि शब्द जो है शुक्र का को मिला हुआ शब्द है ये,
ये हमारे पौराणिक साहित्य के अंदर आपको मिल जाएगा, जहां पे बताया गया है शुक्र को कवि बोला गया। तो कवि की जो कल्पना है, जो जो अंतकरण में, जो ऐसी जगह जहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती, वहां तक की कल्पना कर पाना। एक से अच्छे अच्छे शायरी करने वाले लोग, या जो ऐसे सम्मेलन बुलाने वाले लोग, ऐसे सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने वाले लोग, ये सभी लोग जो इनको पसंद करते हैं, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं शनि और शुक्र के संबंध कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जिनका ये प्रोफेशन होता है, उनका शनि शुक्र जुड़ा होता है। जिनका शनि शुक्र नहीं जुड़ा होगा, वो पसंद करेंगे, वो इंजॉय करेंगे इस सब चीज। शुक्र की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि हमें किस प्रकार की चीजें पसंद आ रही हैं, उसमें हम कैसी चीजें पसंद कर रहे हैं। लेखक, क्रिएटिव आर्टिस्ट, मैं स्क्रिप्ट राइटर्स को जानता हूँ, मैं कंसल्टेंसी देता हूँ उन्हें, जो मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में और चैनल्स पे बनने वाले वीडियोस हैं उनके, वो छोटे छोटे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं। और डायलॉग राइटर्स जो होते हैं, ये सभी के सभी को जो जितना ज्यादा अच्छा शुक्र और बुध होगा, उतनी अच्छी उनकी क्रिएटिविटी। और इसमें भी कहीं ना कहीं ये होता है कि फैंटेसी के लिए राहु का जुड़ना और एक्शन के लिए मंगल का जुड़ना, सीरियसनेस के लिए शनि का फिर से जुड़ना, ये सब चीजें जो होती हैं वो स्टोरीज में जब जुड़ती हैं, तो वो उनके अंदर अन्य अन्य ग्रहों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। डेकोरेटिव सामान बनाने वाले, जैसे आप देखते हैं दिवाली पे बहुत कुछ नए नए तरीके के डेकोरेटिव दिए से लेके झालर आते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें। आप जाओ तो आर्ट गैलरीज मिल जाएंगी, वहां पे मिल जाएगा आपको, आर्चीज टाइप की गैलरीज जो होती हैं उनमें आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पे बहुत जो नई नई तरीके की चीजें, जो सौंदर्य से भरी पड़ी होती हैं, वो सभी जो है वो शुक्र के सौंदर्य जितना ज्यादा होगा वो शुक्र का प्रभाव है। रस भरे फल के बाग के मालिक, आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी किसी के पास बाग होते हैं, उनके पास खेत नहीं होते, उनके पास बाग होते हैं, तो वो शुक्र का प्रभाव होता है कि वो खेत ना होके उनके पास बाग है। वहां काम करने वाले कर्मचारी और उनका सामान ढोने वाले लोग और विक्रेता और ताजे फलों के जूस के विक्रेता, ये सभी के सभी जो है शुक्र के साथ संबंध रखते हैं। एस्ट्रोनॉट्स, देखिए जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसकी दिलचस्पी केवल उसी को होगी जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा। वो अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पे पूरा ध्यान रहता होगा उस, और वो आप देखेंगे कि ज्योतिष का भी एक भाग है जिसमें सिर्फ अंतरिक्ष से संबंधित जो घटनाओं की समय सारणी तय होती है, जैसे हम पंचांग में देखते हैं, वैसी गणना करने वाले लोग भी जो हैं, वो भी सभी शुक्र बहुत अच्छा होगा, तभी ये उनके लिए भी संभव है कि वो ये कर पाएंगे। देखिए प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी अलग है, और एक जो होती है जिसमें हम जैसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी वाली एस्ट्रोलॉजी जो है वो टोटली अलग है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो अलग तरीके की चीज होती है, जो जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल बात है, चाहे वो साइंस कर रही है चाहे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, यानी कि ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य के उदय का समय निकाल लेते हैं। आप अगर आज हमारे किसी भी पंचांग के लिखने वाले को बोलो 10 साल आगे तक का सूर्य का समय निकलने का, अस्त होने का समय, वो सब बता देगा, और राजा वर्ष का जो स्वामी कौन है, मंत्री कौन है, उसके आधार पर वर्ष के बारे में भी बहुत कुछ बता देगा। ये सब चीजों की गणना कर सकने वाले कि कौन होगा उस वर्ष का राजा और मंत्री कौन होगा और उसके किस प्रकार के प्रभाव होंगे, ये जो जितने भी लोग होते हैं इनका शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये शुक्र अच्छा नहीं होगा तो उनके प्रिडिक्शन में और उनकी एनालिसिस में, उनकी कैलकुलेशन में, मरकरी मानता हूँ कि कैलकुलेशन के लिए बहुत जरूरी है, बट ये सोच पाना, उसकी तरफ इंटरेस्ट होना, उस वो चीज की तरफ जाना, ये शुक्र ही कराएगा। तो जितना अच्छा शुक्र उतनी अच्छी आपका उस चीज में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और उसके साथ साथ उसकी एक्यूरेसी भी आपकी उसके आधार पर बढ़ती चली जाएगी। फाइनेंस कंपनी, लेकिन शुक्र सीधे सीधे फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, और फाइनेंस कंपनीज जितनी भी होती हैं उनके मालिक हो गए, उनमें काम करने वाले लोग हो गए, वहाँ जो ये इन सब चीजों के बारे में हिसाब किताब रखते हैं, धन की पूरी कैसे वो होगी, ठीक है, जो ट्रांजेक्शंस को लिखने वाले जो अकाउंटेंट होते हैं वो मरकरी और मंगल के कारण से उनका मैथ्स अच्छा होना चाहिए, उनका तभी वो कर पाएंगे जितनी ज्यादा उसमें अच्छा होगा। लेकिन फाइनेंस में जाना, उसकी तरफ इंटरेस्ट होना, एमबीए फाइनेंस करना, आगे फाइनेंस में जॉब करना, ये शुक्र के अच्छे हुए बिना नहीं हो सकता। देखिए बुध जो है आपको अकाउंट्स में डाल देगा, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बना देगा, आपको बहुत अच्छी कैलकुलेशंस दे देगा,
कैलकुलेशंस की कमी भी नहीं होगा, एनालिटिकल क्वालिटी भी बहुत कुछ दे देगा, बट फाइनेंस में कामयाब होने के लिए वो बाद में चाहिए, पहले आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। हाँ दोनों चाहिए, एक अच्छे बढ़िया फाइनेंस मास्टर बनने के लिए, लेकिन शुक्र के बिना वो भी संभव नहीं है। बैंक में जो कैशियर काम करते हैं वो सभी के सभी का शुक्र अच्छा होता है, तभी वो जो होते हैं बैंक के अंदर जो कैश का काम होता है उसको डील करने, सोने के आभूषण बनाने वाले। देखिए सोना सूर्य और गुरु के साथ संबंध बनाता है उनके कारक तत्व, बट सोने के गहने बनाना, आभूषण बनाना, उनकी डिजाइनिंग करना, आप जो कर्विंग देखते हो उसके ऊपर, जो मूर्तियों से लेकर सोने के ऊपर जो कर्व देखते हो, उनकी डिजाइन्स देखते हो, जो डिजाइन बनाने की कला है, वो शुक्र के बगैर संभव नहीं है। हीरा व्यापारी, कर्मचारी, खान से निकालने वाले, काटकर आभूषण बनाने वाले एवं सभी लोग एवं विक्रेता, ये सभी जितने भी मैंने अभी बोले ये सभी जो होंगे, और उनसे अलग अलग तरीके के आभूषण, जो सौंदर्यपूर्ण आभूषण होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि देखते ही मन जो है ललायित हो जाता है कि क्या सुंदर हो। ऐसे सभी लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़े होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हीरे का संबंध शुक्र से है, चमक का संबंध शुक्र से है, क्योंकि शुक्र जो ग्रह है वो चमकीला ग्रह है। तो ऐसी सभी चीजें, ऐसे वस्त्र जो चमकीले होते हैं, चमकदार कोई भी चीज है, संसार की कोई भी चमकीली डिजाइनर चीज है, वो सभी शुक्र से संबंधित है। आपके फेस का ग्लो बनाने वाले भी जो है वो शुक्र से ही संबंध रखते, प्रेम भरी कहानियां लिखने वाले। देखिए शुक्र जो है प्रेम करने और प्रेम पाने का वाला ग्रह है, यानी वो प्रेम देना भी चाहता है और प्रेम पाना भी चाहता है। तो ऐसा देने और पाने का जो संबंध है शुक्र का, लेकिन जब हम इसको व्यापार या व्यवसाय में जोड़ते हैं तो ये हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित कहानियां लिखने वाले वो लोग और उनपे अभिनय करने वाले, तथा तो किसी ना किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री से, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो सभी लोग जो हैं अच्छे शुक्र के बगैर कामयाब नहीं। मेरा अनुभव है जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता वो कभी भी एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। एक्टिंग वो ही कर पाएगा जिसका शुक्र बहुत अच्छा होगा, वो जो दिखता होगा और जो होगा उसमें, अगर बुद्ध का भी साथ में वो आ गया तो आप उसको पहचान नहीं सकते वो क्या कर रहा है और क्या हो, क्योंकि वो तो बुद्ध का जो होता है, हम कहते ही हैं कि बेपहंदे का लोटा है, ना इधर का है ना उधर का है, वो कुछ भी कब कैसे कर जाए क्या कर जाए वो है। और एक जैसे कहते हैं कि बढ़िया जो जिस तरीके से अपने डायलॉग्स को बोलने की क्वालिटी है वो बुद्ध के से ही आएगी, लेकिन मेलोडियस गाना गाने वाले लोग, जो जिसे कहते हैं मीठे से मीठी आवाज और मीठे से मीठी सी बात करने वाले लोग, आप कभी कभी देखना जो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लोग होंगे ना, वो बहुत मीठा बोलने वाले लोग जो होंगे उनमें शुक्र जो होगा, चाटुकार जैसे शब्द है, इसमें शुक्र का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये मिठास देता है, तो ये कौन से टाइप की मिठास कहाँ से देगा उसके ऊपर है। अगर ये जीवा पे वो मिठास भर देता है तो ये व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि जो नहीं है वो हर बारी वो अपने आप को वो दिखा रहा हो, हर समय अभिनय ही करता रहे। तो ये बहुत काम, मतलब बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग बहुत इजीली बड़े ट्रेसेबल हैं, कि जो आपके सामने कुछ बोलेंगे वो रियल में उनकी दिल की बात नहीं होगी, क्योंकि वे एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत हद तक पॉलिटिशियंस से बड़ा एक्टर कोई नहीं होता। अब आप कभी भी देखेंगे कि शुक्र का संबंध विवाह से है, तो विवाह कराने वाले, विवाह के सारे आयोजन करने वाले, उनके लिए जिस जिस प्रकार का जो डिजाइनिंग का काम करना, इवेंट्स तय करना, ऐसे वाले जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको चलाने वाले और इवेंट्स करने वाले सभी लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र से होते हैं। आज की डेट में जो होते हैं ना बड़े सारे जो है मैरिज के इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर बन चुके, तो इसी प्रकार से जो फिर हनीमून के लिए भी वो जो है वो देते हैं कि हम आपको हनीमून वहां कराएंगे, वहां उसकी डेस्टिनेशन जो है बड़ी यूनिक होती है, बहुत सौंदर्यपूर्ण होती है, ऐसे ऐसे जगह ले जाते हैं जहाँ पे सौंदर्य का पूरा विश्व का सबसे सौंदर्य जो बिखरा हुआ होता है, तो इस प्रकार के जो जगह पे ले जाते हैं। और बड़े महंगे पैकेजेस होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो कॉस्टली चीजों की तरफ ही आकर्षित करेगा, अच्छा शुक्र होगा कॉस्टली चीजों की तरफ ही व्यक्ति भागेगा, सौंदर्यपूर्ण जगह पे जाना चाहेगा जहाँ चमक है सारी तरफ, जहाँ रोशनी ही रोशनी, चमकी चमकीली है सब जगह, ऐसी जगह पे जाना उसे बहुत पसंद आएगा। और हिंदू देवी देवताओं के, देवियों के मैं खास पे बोलूंगा, देवियों के दर्शन की यात्रा कराने वाले, उनके पैकेजेस कराने वाले, देखिए क्योंकि हमारे
जो पूरे ज्योतिष में हमारी जितनी देवियों का संबंध शुक्र से है, या लक्ष्मी जी का विशेष रूप से, और पार्वती जी का चंद्रमा से हमारे यहाँ पर माना गया है, तो हम जब भी देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जब भी किसी का अच्छा शुक्र होगा तो वो स्वयं ही आकर्षित होएगा देवियों के उसके लिए। अब देखिए, इसमें सभी देवियों के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी दुर्गा माँ का जब नाम आ जाता है तो सारी समस्त देवियों की बात आ जाती है। तो ऐसी जगह पे जैसे कि हमारे हिमाचल में ही जो है उनके दर्शन की यात्राएं तय की जाती हैं, हमारा वैष्णो देवी है, ऐसे ही साउथ में आप जाएंगे तो बड़े सारे पार्वती जी के मंदिर हैं। वहां जाने पे बहुत कुछ, जीवन में जिनके कभी कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो रही होती, तो ऐसे सिद्ध जो स्थान होते हैं वहां पे ले जाने का कार्य करते हैं। अब इसके पीछे की एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब सिद्ध स्थान हम बोलते हैं या सिद्ध मंदिर बोलते हैं या सिद्ध देवी का स्थान बोलते हैं, देखिए केवल शुक्र को ही कुछ विशेष योग्यताएं प्राप्त थी जो गुरु ग्रह को भी यानी बृहस्पति देव को भी नहीं प्राप्त। तो हम अगर शुक्र देव की इस प्रकार से आराधना करते हैं तो धनी की कमी के लिए भी बहुत बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना, वो हमारी पूर्ति होती, तो उस प्रकार की सारी पूर्ति करने के लिए जो होता है, हमेशा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनको शुक्र अच्छा होगा तभी वो ये सब आयोजन या कार्यक्रम तय कर पाए। देखिए, विवाह नहीं चलेगा और उसके विवाह के टूटने के पीछे भी शुक्र के खराब होने का बहुत बड़ा संयोग हो सकता है। हमने इस पे कई वीडियोस बनाए, अभी पीछे हमने कम उत्तरा दीदी के साथ एक मेरा वीडियो था जिसमें हमने बात की थी कि विवाह के लिए कौन सी चीजों का ध्यान रखें, वो भी देखें तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि सप्तम भाव का कारक ग्रह है गुरु और शुक्र, तो हम अगर कहीं जब भी शुक्र की स्थिति कुंडली में खराब होती है और व्यक्ति अपने जीवन में सावधान नहीं होता है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन को खराब करता है, वैवाहिक सुख में कमी होती है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक और बात बोलूंगा कि ऐसे लोग जो इन सब मैटर्स में फिर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर किसी का वैवाहिक जीवन की टूटने की स्थिति आ गई तो वहां पे जो कोर्ट में जाके केस लड़ने वाले वकील होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड विवाहों के संबंध में जो बैठते हैं, और जो इवन अगर कोई सेटलमेंट कराने वाली कोर्ट होती है जो हस्बैंड वाइफ की, इवन पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ पे ये हो, तो ये सब शुक्र के कारण ही संभव है। जहाँ शुक्र अच्छा नहीं होगा तो वो व्यक्ति ना उस डिपार्टमेंट में जाएगा, और जहाँ सेटलमेंट होने की संभावना है वहां पे भी नहीं जाएगा। तीसरी जगह जहाँ कोर्ट है वहां पे उसको वैसा वकील नहीं मिलेगा जो इस प्रकार के केस का स्पेशलाइज जो हो, और जज भी जो होगा वो भी सामने बैठा होगा, उसने भी ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे, वही जज मिलेगा अगर आपका शुक्र अच्छा। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो वो आपको पहले ही प्री जज करके आपके बारे में एक नेगेटिव थॉट बना लेगा, चाहो ना चाहो आपके केस में एक पहले से ही प्री थॉट चलता रहेगा, एंड तक वो प्री थॉट के हिसाब से ही सारा काम होगा। देखिए, आजकल एक बहुत साधारण सा काम लगता है लेकिन ये काम बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है कि नदियों का जल, जैसे गंगा जी का जल, आओ जी आपको आपके वहां तक पहुंचाते हैं, ऐसे जो होता है ये सब पूजन सामग्री ये जो है भक्तों तक पहुंचाने वाले जो उद्गम स्थल से ला कर देते हैं, इनमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बेईमानी करता है, बहुत सारे लोग ईमानदारी से भी काम करते हैं, तो ऐसे सभी लोग जो होते हैं तो वो सभी के सभी जो उनको ये आप ये मान के चलें कि वो भी शुक्र के कारण से, क्योंकि नदियां हमारे जो हैं चंद्र और शुक्र से संबंधित, नदियों को हम माता कहते हैं, तो पवित्र नदियां जब हम बात करते हैं तो शुक्र और चंद्र दोनों हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इन दोनों का कहीं ना कहीं संबंध अच्छा होगा तभी ये काम करने का मन में विचार है, क्योंकि जल जो है वो चंद्र से संबंध रखता है, नदियों की सफाई से जुड़े। देखिए, सफाई तो मैं मानता हूँ कि सफाई कर्मचारी जो होता है वो शनि होता है, हर जगह की सफाई का कर्मचारी है, लेकिन रिफाइनमेंट क्या होती है, रिफाइनमेंट जो भी कोई भी चीज की रिफाइनमेंट, ये भी एक सफाई का दूसरा पक्ष, तो रिफाइनमेंट कोई भी चीज जो है शुद्धि, वो हर प्रकार की शुद्धि यानी पवित्रता वो जो भी है वो सब शुक्र के माध्यम से होती है, या बहुत अच्छा चंद्र या बहुत अच्छा शुक्र, ये दोनों ही जरूर अच्छे होने चाहिए कुंडली में, तभी आप इनसे जुड़ सकते, नहीं तो जुड़ भी जाएंगे तो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। ये साधारण सी बात है जो पहले हमारे देश में हुआ है, उसमें यही रहा कि जो लोग जुड़े उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इसलिए नदियां साफ नहीं हो पाई, लेकिन अब अगर नदियां साफ हमें करनी है तो हमें वहां पे पॉलिथिन नहीं फेंकने, ऐसी चीजें नहीं करनी, तो वो सब ना करने वाले
सभी लोग जो होते हैं शुक्र से होते हैं। शुक्र झीलों का भी कारक है। अब शांत झील, तो ऐसी शांत झीलों के वहां पर कॉटेज बना के, वहां पे टूरिस्ट को बुला के इस प्रकार का काम करने वाले सभी लोग, मेरा अपना अनुभव है कि ये सबसे कामयाब आज की डेट में काम है कि बड़ी यूनिक कोई जगह पे जाके छोटे गार्डन्स डेवलप कर लेना और यूनिक वहाँ पे सारा माहौल बना। ऐसा आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये बहुत कामयाब इंडस्ट्री है और इसमें लोग लाखों लाखों नहीं करोड़ों रुपए साल का कमा। देखिए, फूल परफ्यूम ये दोनों ही शुक्र से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे जिनका भी परफ्यूम्स का किसी भी प्रकार का काम है, यानी इत्र से संबंधित कोई भी काम करते हैं, खुशबू किसी भी प्रकार की जो होती है उससे संबंधित काम, तो वो सभी के सभी जितने भी लोग हैं, जो ऐसे सभी लोग कहीं ना कहीं शुक्र अच्छा होगा तभी वो काम है। शुक्र अच्छा नहीं होगा, पहली बात जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे और जितना ज्यादा अच्छा शुक्र होगा उनकी सफलता की रेशियो उस हिसाब से डिसाइड होगी। इसमें भी मैं ये बोलूंगा, अपने शुक्र को अच्छा किया जा सकता है। अपने जो पुरुष इन लोग इस कार्य में जुड़े होते हैं, उनका सिर्फ एक काम करने का होता है, पत्नी को आदर देना और पत्नी के प्रति निष्ठावान ईमानदार पति बनना। जितना पवित्र प्रेम और निर्मल प्रेम और एकाग्र प्रेम आपका पत्नी के प्रति होगा, आप अपनी पत्नी को रियल में आदर देंगे, कोई एक्टिंग नहीं चाहिए, तो आप महसूस करेंगे शुक्र की नेगेटिविटी आपके जीवन से कम होगी। नहाएं डेली, सफेद कपड़े पहने और परफ्यूम्ड रहें, घर को साफ सुथरा रखें, कहीं डस्ट नहीं होनी चाहिए कहीं। ये सब जितनी सफाई और सिस्टमेटिक तरीके से आप जहां बैठे हैं वहां सामान इस तरीके से लगा होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं, कूड़े की तरह नहीं होना, सिस्टमेटिक। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके, अगर आप कमरे में चले जाओगे ना, उनके स्टडी रूम में, उनके बेडरूम में, अब अलमारी खोल के देखोगे, एक एक चीज ऐसे पड़ी हुई मिलेगी जैसे कि क्या सामान रखने की भी। जितना अच्छा शुक्र होगा वही कर सकते, आप जितना अच्छा शुक्र देखेंगे उसको देखेंगे क्या लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े पहनते हुए। अब ये सब जो करने वाले हैं वो तो ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। जितना अच्छा शुक्र होगा वो उतनी हाई क्वालिटी की परफ्यूम बनाने की बात सोचेगा, उसकी बिक्री की बात सोचेगा और वो उसको उसकी क्वालिटी में और रिफाइनमेंट और बेहतर करने के लिए नए से नए तरीके अपनाएगा। इत्र में भी आप देखेंगे जितना ज्यादा अच्छा इत्र होगा उतनी अच्छी वो चीज, और इसी तरह से शुक्र जितना अच्छा होगा उतने बड़े लेवल पे आप फ्लावर्स का काम करें। तो ये सब चीजें शुक्र से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा कोई भी काम जब आप देखेंगे कि कोई करता है तो उसके पीछे शुक्र उसका जरूर शनि से संबंध बना रहा होगा। आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले, आप आके देखो कि उनके शुक्र शनि का संबंध मिलेगा ही मिलेगा। आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आज इतने अच्छे आते हैं, इतने डेकोरेटिव होते हैं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आप उनको अपने घर में रखें तो कोई बंदा एक बारी ये लगेगा कि सचमुच का फूल है, तो हैरान हो जाएगा। इतने सुंदर आज की डेट में आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनने लगे हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आर्टिफिशियल है। इसके बाद ज्वेलरी, देखिए ज्वेलरी तो आप मान के चलिए सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी शुक्र से आती है, जितनी भी तरीके की, और उसमें जितना अच्छा बारीक और क्वालिटी का काम होगा बनाने वाले का, मान के चलिए शुक्र उतना अच्छा है। जुड़ना भी तभी संभव है, खरीदना और बेचना भी तभी संभव है जब शुक्र का संबंध शनि से बनता होगा, और दशाएं भी सपोर्ट करें, दशाएं भी सपोर्ट नहीं करेंगी तो भी कोई संभव नहीं है। अगर हाँ युति मिल जाती है आपको किसी भी चार्ट, योग संबंध, दृष्टि संबंध मिल जाता है, शनि शुक्र परस्पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप मान के चलिए शनि शुक्र की दृष्टि है या युति है या योग है, तो आप मान के चलें कि वो व्यक्ति को इनमें से किसी न किसी क्षेत्र में ही कार्य करके सफलता मिलेगी, अन्यथा वो संघर्ष करेगा। तो संघर्ष ना हो इसीलिए मैं ये बार बार वीडियो बना रहा हूँ। सौंदर्य के प्रसाधन जितने भी, अब जितने भी सौंदर्य प्रसाधन बनाने के पीछे क्या है, क्योंकि शुक्र जो है सौंदर्य का ही प्रतीक है, और ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा आकर्षण हमें, जितना लस्ट, जितना जैसे कहते हैं पैशन देने वाली जो कोई भी चीज होती है वो शुक्र के कारण। तो जो ऐसे साधन प्रसाधन बनाने वाले हैं वो सभी के भी सभी कहीं ना कहीं शनि शुक्र का संबंध रखते हैं, उनके विक्रेता। अब फीमेल रिलेटेड जो रोगों के डॉक्टर होते हैं वो भी आप जाके देखोगे तो उनका कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल तो होता ही है, लेकिन साथ में शुक्र का शनि से संबंध बनेगा ही बनेगा। हार्मोन संबंधी रोगों की बात करूं, विशेष रूप से हार्मोनल इश्यूज जो होते हैं, हार्मोन्स के सप्लीमेंट्स बनाने वाले, उनके डॉक्टर्स और उनके की पूरी स्टडी करने वाले, वो सभी कहीं ना कहीं शुक्र जरूर अच्छा होगा ही होगा।
खेती बाड़ी की बात करने वाले, मैं तो देखता हूँ हैरान होता हूँ कि नई नई टेक्निक्स निकालने वाले, वो सभी सभी का शुक्र बहुत अच्छा होता है। आपके लिए और बड़ी हैरानी की बात करता हूँ कि डॉक्टरों में भी जो आई स्पेशलिस्ट होगा वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शुक्र उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैंने पहले भी आपको बताया था लेंस की बात, तो जो आंखों से संबंधित, क्योंकि दृष्टि जो देखने की क्षमता है, सूर्य और चंद्रमा जो है वो रोशनी देते हैं, प्रकाश, वो प्रकाश के कारण है, लेकिन वो जो क्षमता चाहिए वो प्रकाश आने के बावजूद भी कईयों के पास नहीं होती, तो वो हमें शुक्र के अच्छे होने से ही मिलती है, बुध के अच्छे होने से ही, बुध जो नसों से संबंध रखता है, तो जो ब्रेन से कनेक्ट होके ऑप्टिक नर्व जो होती है उसके कारण होता है। सप्लीमेंट्स बनाने वाले, फूड सप्लीमेंट्स बनाने वाले, सभी प्रकार के हार्मोनल जो भी दवाइयां हैं उनके सप्लीमेंट्स बनाने वाले, और सप्लायर सभी के सभी कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों का शुक्र और शनि का संबंध नहीं है, तो लंबे समय तक वो इस क्षेत्र में नहीं रह सकते और कामयाब। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इन विषयों के ऊपर आप थोड़ा गंभीर चिंतन करें। नमस्कार, धन्यवाद।